हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है डिफेंस से रिलेटेड है। जी हाँ, डिफेंस से रिलेटेड है। चाहे वो आप लोग का बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या फिर वो आप लोग किसी भी स्टेट की पुलिस, आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ, डिफेंस की पूरी न्यूज, कौन सी वैकेंसी आप लोगों की चल रही है इस वक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसके लिए कि आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए, उस वैकेंसी की जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं इस प्रकार के वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। जी हाँ, सभी न्यू वैकेंसीज की जानकारी आप लोग को मिलेगी जो कि इस वक्त चल रही है। इसके अलावा उस वैकेंसी की जानकारी भी मिलेगी जो कि आने वाली है। जी हाँ, आने वाली है, मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूं। इसके अलावा आप लोग के कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, कौन कौन से एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोगों से कोई भी भर्ती छूटे नहीं। यदि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस के लिए और कौन से एग्जाम आप लोग के होने वाले हैं, पोस्टपोन हो गए, सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये है एसएसबी। जी हाँ, एसएसबी में आप लोग की जो कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है, 1522 वैकेंसी। जी हाँ, 1500 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकलने वाली है। ये वैकेंसी अभी आई नहीं है और मैंने ही आप लोग को सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इसके बाद जो है वैकेंसी पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है और आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, यदि मुझे किसी भी प्रकार से लगता कि ये वैकेंसी नहीं आने वाली है, फेक है, तो मैं इसे अभी तक हटा चुका होता। जी हाँ, ऐसा नहीं है, ये भर्ती आप लोग की आने वाली है और बहुत ही जल्द अगस्त आप लोग मान के चलिए वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए आप लोग की जो है बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। तो क्या है वैकेंसी, मैं आप लोग को इससे पहले बता दूं, यदि सभी वैकेंसी की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने सभी के वैकेंसी के लिंक दे रखे हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट जानकारी मैं आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग की एसएसबी में वैकेंसी निकलने वाली है, 1522 वैकेंसी आप लोग की निकलेगी, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल, 18 से 25 साल। इसके अलावा आप लोग की जो 21 से 27 साल एज रहने वाली है, जिसके लिए कि आप लोग की ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, कांस्टेबल बारबर की वैकेंसी है, कांस्टेबल कुक की वैकेंसी है, कांस्टेबल सफाई वाले की वैकेंसी है। इसी प्रकार से जो आप लोग की काफी वैकेंसियां निकली हुई है, पूरी जानकारी आप लोग मेरे उस वीडियो से ले सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोग 21 से 27 साल एज होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही मस्ट है और वो भी आप लोग के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ही होना चाहिए। 10th प्लस आप लोग हैं तो आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10th के साथ आप लोग के पास है एचएमवी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एलएमवी से आप लोग का काम नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उससे भी काम नहीं चलेगा, आप लोग के पास एचएमवी ही होना चाहिए क्योंकि फिजिकल के टाइम आप लोग का देखा जाएगा। तो ये ड्राइवर की पोस्ट है। इसके अलावा आप लोग की कुक की पोस्ट है, स्वीपर की पोस्ट है, माली की पोस्ट है, बारबर की पोस्ट है, ठीक है, सभी वैकेंसियां निकली हुई है। और इसके अलावा वेटनरी की भी इसमें वैकेंसी निकली होती है, कांस्टेबल वेटनरी की भी वैकेंसी निकली है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, सभी वैकेंसियों में 10th प्लस एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है, आप लोग के पास एक्सपीरियंस मस्ट है। जी हाँ, आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग के पास आईटीआई होनी चाहिए, 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स की आईटीआई नहीं है तो 1 ईयर की आईटीआई होनी चाहिए, प्लस आप लोग के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटीआई को लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूज है, आईटीआई आप लोग के रिलेटिव ट्रेड में ही होनी चाहिए। जी हाँ, रिलेवेंट, जो भी जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी से संबंधित होना चाहिए या फिर उससे मिलता जुलता ही आप लोग का आईटीआई होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं है तो आप लोग को एक्सपीरियंस बेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें वेटनरी की पोस्ट है जिसमें कि एक्सपीरियंस आप लोग को डिजायरेबल मांगा हुआ, मीन्स यदि है तो उसका बेनिफिट है, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग मेरे उस वीडियो से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा, फिजिकल होगा, रिटर्न, और इसके अलावा आप लोग का जो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आप लोग का मेडिकल के बाद आप लोग का जो है मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद जो है आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, वैकेंसी आ रही है, पूरी न्यूज है। यदि ये न्यूज नहीं होती, इसकी जानकारी नहीं होती तो ये वीडियो में अभी तक हटा चुका होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए,
और प्रिपरेशन में लग जाइए, वेट कीजिए कि कब इसके ऑनलाइन अप्लाई और रिक्रूटमेंट की जो है नोटिफिकेशन आने वाला। चलिए वैसे नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है, वो है दिल्ली पुलिस। या दिल्ली पुलिस में आप लोग की बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हो। यदि आप लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग जरूर उसे देखिए। दिल्ली पुलिस में निकली हुई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की वैकेंसी यहां पे निकली हुई है। जी हां, 5800 प्लस वैकेंसी इसमें आप लोग की है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप लोग की भी एज है 18 से 25 साल, जी हां, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का यहां पे आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। और यदि आप लोग हैं 12th पास तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग एम्प्लॉई के पुत्र या पुत्री वगैरह हैं, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं मेरे वीडियो से, तो आप लोग 11th पास में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इसकी अप्लाई की डेट, तो 1 अगस्त, जी हाँ, 1 अगस्त से इसके ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 7 सितंबर तक आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले। ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं SSC की वेबसाइट से इसकी ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जो आप लोग का है SSC लेने वाला है। इसके बाद जो है आप लोग का फिजिकल होने वाला है, फिजिकल आप लोग का दिल्ली पुलिस लेगी, फिजिकल के बाद आप लोग का मेडिकल, ये भी आप लोग का दिल्ली पुलिस ही करवाएगी। इसके बाद जो आप लोग की मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। तो यदि आप लोग की एज है 18 से 25 साल तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। बाकी की डिटेल आप लोग मेरे दूसरे वीडियो से ले सकते हैं। इसमें जो आप लोग की एज काउंट हो रही है वो 1/7/2020 को आप लोग की एज काउंट हो रही है, और सभी डॉक्यूमेंट जो आप लोग के रेडी होने चाहिए वो आप लोग की जो है इसकी लास्ट डेट यानी कि 7 सितंबर तक आप लोग को इसी सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पूरे होने चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग 12th पास के साथ साथ आप लोग के पास होना चाहिए LMV, जी हाँ, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए। फिर चाहे वो आप लोग का मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का हो, तो आप लोग के पास LMV होना बहुत ही अनिवार्य है। तो यदि आप लोगों ने LMV नहीं बनाया है तो आप लोग अप्लाई करने के साथ साथ LMV के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो ये आप लोग का लाइसेंस है ये आप लोग का देखा जाएगा फिजिकल के टाइम, लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आप लोग के एजुकेशन से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से संबंधित हो, वो जो है आप लोग की इसकी लास्ट डेट तक बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए। मीन्स आप लोग की जो एजुकेशन है लास्ट डेट तक बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया है। सबसे पहले SSC आप लोग का रिटर्न एग्जाम लेगी, रिटर्न जो है आप लोग का ऑनलाइन होने वाला है, और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जो आप लोग का फिजिकल है, फिजिकल, मेडिकल, मेडिकल के बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग है। तो ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 5800 प्लस वैकेंसी निकली हुई है, जरूर अप्लाई कीजिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी है, जी हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी और सबसे बड़ी वैकेंसी जो आप लोग की CRPF पैरा मेडिकल स्टाफ के अंतर्गत, जी हाँ, CRPF पैरा मेडिकल स्टाफ में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट आप लोग की 30 अगस्त रहने वाली है। तो यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी भी नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी लीजिए। इसमें जो है आप लोग की ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं, सभी वीडियोस मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा रखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग रिक्रूटमेंट की जानकारी लीजिए। इसके बाद कैसे ऑफलाइन अप्लाई करते हैं उसकी जानकारी भी आप लोग ले लीजिए। जी हाँ, CRPF पैरा मेडिकल स्टाफ के अंतर्गत आप लोग की 700 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप लोग की सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, सभी की इसमें वैकेंसियां निकली हुई हैं। बहुत सी इसमें ट्रेड्स हैं। यदि आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक, स्वीपर वगैरह की इसमें वैकेंसी है, वाटर कैरियर की वैकेंसी है, मसालची की वैकेंसी है, टेबल बॉय की वैकेंसी है, इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल, स्टीवर्ड वगैरह की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की SI के अंतर्गत जो आप लोग की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है, और आप लोग की सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म जो है ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। ऑफलाइन भरने के बाद आप लोग जल्द से जल्द इसका स्पीड पोस्ट कीजिए ताकि आप लोग के फॉर्म पहुंच जाए, किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं वो एज के लिए, आप लोग 18 से 23 साल, 18 से 25 साल, SC ST OBC 30 साल, 12 साल आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। यदि आप लोग 10th पास तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट, जी हाँ, विभिन्न विभिन्न ट्रेडों के लिए आप लोग इसमें सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, और इसके अलावा कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा गया, जैसे कि आप लोग कांस्टेबल सफाई वाले के पोस्ट के लिए उसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बाकी की जानकारी आप लोग मेरे वीडियो से ले सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है उसमें सबसे पहले आप लोग को होने वाला है फिजिकल, फिजिकल के बाद आप लोग को रिटर्न टेस्ट, रिटर्न के बाद आप लोग
ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड के बाद आप लोग मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही आप लोग फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। इसमें आप लोग यदि आप लोग कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पे होने वाला ओनली और ओनली रेस। जी हाँ, 1600 मीटर की आप लोग की यहाँ पे रेस होने वाली है। लेकिन यदि आप लोग अप्लाई करते हैं हेड कॉन्स्टेबल एसआई एएसआई और इंस्पेक्टर के लिए तो आप लोग का यहाँ पे रनिंग के साथ साथ लॉन्ग जंप और हाई जंप भी यहाँ पे आप लोग का होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें ये सब चीजें होने वाली है। रिटर्न की पूरी जानकारी, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, कोई माइनस मार्किंग आप लोग की होने वाली नहीं है। सिलेक्शन जो है आप लोग का रिटर्न के बेस पे होगा। इसके बाद आप लोग ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर होगा, 20 नंबर का आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो से। जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की वुमेन्स के लिए, जी हाँ, ओनली फॉर वुमेन्स। इंडियन मिलिट्री पुलिस में आप लोग की जो सोल्जर जीडी की वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ, 99 वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप लोग भी हैं वुमेन और यदि आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को आप लोग देखिए, उसका लिंक मैंने आप लोग को दे रखा। जी हाँ, आप लोग के लिए 99 वैकेंसी निकली हुई है इंडियन मिलिट्री पुलिस में। सोल्जर जीडी के लिए आप लोग की 99 वैकेंसी है। यदि आप लोग की एज 17.5 से 21 साल तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकती है। एजुकेशन आप लोग की होनी चाहिए 10th पास है आप लोग, 45% आप लोग एग्रीगेट होने चाहिए, 33% जो है आप लोग ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग होगी, सबसे पहले जो आप लोग के मार्क्स होंगे 10th के उसके बेस पे आप लोग जो मीन्स आप लोग को, यदि मैं हिंदी में बताऊं छटनी होगी, मीन्स आप लोग की जो एक मेरिट निकलेगी, मेरिट के बेस पे फिर आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आप लोग का फिर रिटर्न होगा। जी हाँ, आप लोग की स्क्रीनिंग होगी 10th के मार्क्स के बेस पे, तो इसमें आप लोग की मेरिट लिस्ट 80 के आसपास आप लोग की जो यहाँ पे मेरिट रहती है इसके बेस पे जो फिर आप लोग को बुलाया जाता है रैली साइट पे। ये आप लोग की रैली कुछ स्टेटों में है जैसे कि अंबाला में भी है। ठीक है, पाइप की जानकारी के लिए आप लोग जो है मेरे वीडियोस के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं यदि आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहती हैं। तो यदि आप लोग स्क्रीनिंग में सेलेक्ट कर ले जाती हैं तो आप लोग को बुलाया जाएगा, आप लोग को रैली साइट पर जाना होगा, वहां पे आप लोग का होगा फिजिकल और आप लोग का होगा मेडिकल। यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाती है फिर आप लोग को एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। जी हाँ, फिर इसके बाद होगा आप लोग का रिटर्न एग्जाम। इसके बाद जो यदि आप लोग मेरिट मानते हैं तो आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगा इंडियन मिलिट्री पुलिस के अंतर्गत सोल्जर जीडी वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोग ये अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखिए। वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की इंडियन आर्मी में। जी हाँ, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 के अंतर्गत जो है आप लोग की 90 वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ, इस कोर्स के लिए जो आप लोग की 90 वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। यदि आप लोग हैं 12th पास पीसीएम, जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है आप लोग के 70% होने चाहिए तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की होनी चाहिए 16.5 से 19 साल तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का जो है इसी प्रकार जैसे कि आप लोग का स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में ही आप लोग को जो है बुलाया जाएगा। इसमें आप लोग का होने वाला है इंटरव्यू। जी हाँ, इसमें आप लोग का एसएसबी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो आप लोग का 2 फेज में होने वाला है, 5 दिन का आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू चलता है। जी हाँ, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इंटरव्यू चलते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर कर जाते हैं तो ही आप लोग को सेकेंड स्टेज में एंट्री दी जाती है, और यदि आप लोग सेकेंड स्टेज भी क्लियर कर जाते हैं इसके बाद ही जो है आप लोग का आगे का प्रोसेस होता है। इसमें ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट ये अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड मेल कैंडिडेट, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि ट्रेनिंग पीरियड तक आप लोग को किसी भी प्रकार से शादी नहीं करनी है। 5 साल की यहाँ पे आप लोग जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है इंडियन आर्मी में आप लोग लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर स्थायी कमीशन आप लोग को प्राप्त होती है। जी हाँ, इसमें आप लोग को इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त होती है। तो 9 सितंबर इसकी है लास्ट डेट। तो यदि आप लोग ने इसकी अप्लाई नहीं किया है, 16.5 से 19 साल आप लोग की एज है, 12th पास है पीसीएम से, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है वो आप लोग की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CDS 2020। जी हाँ, आप लोग की 344 वैकेंसी यहाँ पे निकाल दी गई है। यदि आप लोग भी हैं ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम बीई बीटेक तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग की भी एज है 20 से 23 साल और 20 से 24 साल तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यदि आप लोग इस एज के अंतर्गत आते हैं आप लोग। और इसमें जो है आप लोग की एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए भी इसमें जो आप लोग की वैकेंसी निकाली गई। जी हाँ, वुमेन्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है।
इसके थ्रू जो है आप लोग की इंडियन मिलिट्री में, इंडियन नेवल एकेडमी में और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, इसके अलावा ओटीए में जो है आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसके लिए जो है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न, जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का इसमें रिटर्न होता है। रिटर्न के लिए आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा जो कि आप लोग के रिटर्न से पहले यानी कि एक मंथ पहले ही आप लोग का जो है इसका रिटर्न एग्जाम आप लोग को इसकी वेबसाइट पे आ जाएगा। रिटर्न क्लियर करने के बाद आप लोग का होता है यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू जो कि आप लोग का 4 दिन चलने वाला होता है। इसमें आप लोग के 2 स्टेज होते हैं, जी हाँ। तो ये होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके लिए आप लोग की फीस भी लगती है, जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। और इसमें लास्ट डेट, जी हाँ, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है ये 25 अगस्त है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया। फीस यदि आप लोग हैं मेल कैंडिडेट और जनरल ओबीसी से आते हैं तो आप लोगों को 200 रुपए पे करने हैं। इसके अलावा फीमेल एससी एसटी से है तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है, जी हाँ। यूपीएससी की और डिफेंस की बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार वैकेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, इस बार की मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है A to Z कौन सी वैकेंसी चल रही है, जी हाँ, सभी वैकेंसियां चल रही है और आने वाली है। बिल्कुल तैयार रहिए और जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। बस इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं वो देने वाला हूँ ये है कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, जी हाँ, डिफेंस से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो है आप लोग का CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 914 वैकेंसी 2019, जी हाँ, आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई थी जिसमें कि आप लोग के फिजिकल ट्रेड टेस्ट हो चुके थे लेकिन रिटर्न आप लोग के मार्च से लेकर के अभी जो है सितंबर 6 सितंबर में होने वाले थे, आप लोग के जो ये CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, जी हाँ, कोई समय सीमा इस बार नहीं दी गई है। हो सकता है आप लोग के एग्जाम अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में, दिसंबर में, तो इस बार उन्होंने कोई भी डेट आप लोग की नहीं दी है तो आप लोग के एग्जाम पोस्टपोन हो गए। जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी आप लोग की CISF से ही निकल के आ रही है। CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी 400+, इसमें आप लोग के जो फिजिकल हो गए थे, रिटर्न टेस्ट इसके भी होने वाले थे लेकिन कोई नोटिस इसका जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज जो है इसमें अभी जो है इसमें आप लोग की वेबसाइट पे CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो है नोटिस जारी कर दिया, इसके एग्जाम होने के भी कोई चांस नहीं है। इसके भी एग्जाम जो है अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए। जैसे ही देश में सिचुएशन ठीक होती है आप लोग के भी एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के लिए 4 लाख बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं, तो एग्जाम बहुत ही बड़ा है। तो पूरे देश की जो हालत सुधरनी चाहिए उसके बाद ही जो है आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो सकता है। लेकिन इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर हो सकता है अब एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके नोटिस आने के अनुसार अब ऐसा लगता है कि आप लोग के एग्जाम होंगे, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो है आप लोग का BSF, जी हाँ, BSF हेड कॉन्स्टेबल RORM का आप लोग का मेडिकल होने वाला था, तो इसका भी जो मेडिकल पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि अगस्त मध्य में बिल्कुल बताया गया था कि होने ही वाला है, पूरे चांस है, लेकिन इसके भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। मेडिकल को, मेडिकल कब होने वाला है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देश में जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी आप लोग के सभी एग्जाम, सभी मेडिकल्स 1x1 होने लगेंगे। इसके बाद जी हाँ, यही एग्जाम जो है अभी डिफेंस के अंतर्गत पोस्टपोन हुए हैं। अब बात करता हूं मैं कौन से एग्जाम होने वाले हैं, जी हाँ, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन में अभी तक हैं। तो आप लोग के जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, जी हाँ, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी इसके भी आप लोग के रिटर्न एग्जाम रह रहे हैं। तो मैं आप लोग बताऊँ रिटर्न एग्जाम आप लोग के होने के पूरे चांस हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोग के, अक्टूबर लास्ट तक जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी, आप लोग के रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी, जी हाँ। तो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा ITPB 2017 कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन वालों के भी एग्जाम दिसंबर में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली हुई है दिसंबर में होने के पूरे चांस हैं अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है। इसके अलावा आप लोग का है SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी इसके एग्जाम के बारे में भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इस साल के अंत तक यदि होने के पूरे चांसेस नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर कब होंगे इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता हूं। जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, तो सभी वैकेंसी आप लोग 1x1 देखिए, जिस जो चीजें आप लोग के लिए छूट गई है उस चीज के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए। और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग मेरा दूसरे वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता।
सिर्फ आप लोग को वैकेंसी की जानकारी दे सकता। तो फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूं। ओके फ्रेंड बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।